बहुत सारे बच्चे बोलते हैं यार एग्जाम आ गया सिर पर, कैसे तैयारी करें, क्या पढ़े, कौन सा गेस पढ़े, क्या गेस पढ़े, यार बाहर में जाओ गेस यार, इतना दिन से तुम क्या कर रहा था, इतना दिन से तुम क्या बीचे बीचे कर रहा था यार, इतना समय से पूरा समय बीत गया तब तुम बोल रहे हो क्या पढ़े, ये गेस वे गेस ये बस कुछ नहीं गेस। आज हम एक लड़के के घर पर गए एग्जाम थे, उसका एग्जाम है मैट्रिक एग्जाम, अगर उस तरह तकिया लगा उसको, उस तकिया को जानते तीन पाँच चार पाँच उसको तोड़ मरमोड़ कर इस तरह बकलुआ शुरू हो गया था। हम बोले देखिए ये रिजल्ट है क्या, इसी का रिजल्ट बनेगा, बताइए क्या पड़ेगा जी। हम बोले कि काम ना करो तुम, तो किया बेचो 100 रुपये में चार को, तू सब कुछ 100 रुपये में चार को बेच रहा है, तुम 100 रुपये में 6 को बेचो, तुम्हारा मार्केटिंग भी बनेगा अच्छा से, काम धाम भी चलेगा। आप बताइए आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ को जब पढ़ रहे हैं तो उसको तकिया के तीन भाग में लगा कर इस तरह हम देखिए इसी तरह सो गया था इतना बकलोल। तो देखिए पढ़ाई जो है ना आप खामोशी से कीजिए, पढ़ाई जब भी पढ़िए खामोश रह के पढ़िए, पागल बन के यानी माला जिस तरह आप भीतर भीतर जप रहिए, जप रहिए माला लेकर जपिए, यानी पढ़ाई जब भी पढ़िए खामोश रह के पढ़िए। शेर का अंदाज होता है ना खामोशी से पता चलता है, यानी शेर का जो दहाड़ने से उसका पता नहीं चलता है, जितना खामोश रहने से जब भी अटैक करता है खामोश रह कर अटैक करता है, ये नहीं दहाड़ते हुए नहीं। इसी तरह आप खामोश रह के अपना रिजल्ट बनाइए, और जिस दिन आपका रिजल्ट बन जाएगा ना आप पूरे गाँव मोहल्ले में डंडा यानी डंगा पिटवा दीजिए। इसी तरह पढ़ाई कीजिए रात में, देखिए रात में सोने रात में जब भी पढ़िए आप लोग मैथ पढ़िए, रात में आप लोग जब 9, 10, 11, 12 बजे तक पढ़ रहे हैं उस समय आप लोग मैथ पढ़िए। मैं मैट्रिक और इंटर वालों को बोल रहे हैं ठीक है, जब भी उस समय पढ़िए तो क्या पढ़िए मैथ पढ़िए, उस समय मैथ पढ़िए तो आप इस तरह से अरे तो सो रहे हैं इस तरह अरे उस तरह पढ़ाई थोड़े होता है यार, अरे बकलो उस तरह पढ़ाई नहीं होता है, उस तरह पढ़िएगा कभी सक्सेस नहीं हो पाइएगा, कभी भी सक्सेस नहीं हो पाइएगा ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए।